हाय, दिस इज डाइटिशियन नीना सेठ फ्रॉम नीनाज न्यूट्रीफिट क्लिनिक, मालविया नगर, न्यू दिल्ली। आज हम फिर एक ग्लूटेन फ्री फूड की बात करेंगे। और ग्लूटेन फ्री फूड बहुत अच्छे होते हैं और विंटर्स में हम सारे मिलेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे बाजरा, जौ, जवार, और विंटर्स में ज़्यादा भी खाया जाता है। तो इसलिए ग्लूटेन फ्री, जो लोग वेट लॉस पे हैं वो ग्लूटेन फ्री फूड खाएंगे तो उनका वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होगा। और इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आज बर्ले दलिया की, और ये बहुत ही वर्सेटाइल, इसके सीड्स होते हैं, पर्ल मिलेट भी कहते हैं इसे, और ये वाइट कलर के छोटे छोटे से सीड्स होते हैं। और इससे बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिंस होते हैं, और हमारे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है और डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। और ये इतना वर्सेटाइल ग्रेन है कि इसका आप फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको स्प्राउट करके सीड्स को भी खा सकते हैं, इससे दलिया बना सकते हैं, फ्लावर से आप रोटी, चपाती, रोटी पराठा, इस तरीके की चीज़ें आप बना सकते हैं। और उसके साथ ही आप इससे बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, मफिन्स बना सकते हैं, बहुत सारी ग्लूटेन फ्री रेसिपीज इससे आप। इसमें विटामिन बी है, क्रोमियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, तो आप सोच ही सकते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिट। इसमें जो लिगनन्स पाए जाते हैं वो कैंसर और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, साथ में ही कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो हार्ट के लिए बहुत बैड होता है, उसको कम करते हैं। अगर आप इसका डेली में यूज़ करते हैं तो आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होगा और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर्स पाए जाते हैं, और इसमें बीटा ग्लूकोन पाया जाता है जो जेल फॉर्म करता है जब हमारे बॉडी में उसका डाइजेशन होता है, जिससे हमारी एपेटाइट कंट्रोल होती है और हमारा डाइजेशन बूस्ट होता है, बाउल सिस्टम क्लियर हो जाता है मॉर्निंग में। जिन लोगों को सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर पाए जाते हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन और बाउल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, गट के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में ही ये गॉल स्टोन को भी प्रिवेंट करता है, और रिसर्चेस में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये गॉल ब्लैडर की सर्जरी को भी प्रिवेंट करता है। और इन सीड्स को अगर आप बॉयल करके इसका वाटर लेते हैं तो आपका वेट लॉस भी होता है, और जिन लोगों को गॉल स्टोन है या वैसे स्टोन है किडनी वगैरह में, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को मैग्नीशियम और सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा। और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं भी है वो इसका अगर डेली में यूज करेंगे तो डायबिटीज का होने का रिस्क कम हो जाता है, हार्ट डिजीज के होने का रिस्क कम हो जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा फाइबर है और बहुत अच्छा ग्लूटेन फ्री फूड है। और इसके ये पर्ल मिलेट्स से मैं आज आपको एक रेसिपी भी बताऊंगी, और आप इसमें बहुत सारे इनोवेशंस कर सकते हैं। आप इस सीड्स को स्प्राउट करके भी खा सकते हैं, बहुत टाइप की चीज़ें आप इस सीड के साथ कर सकते हैं, और इसका नट्टी फ्लेवर है और बहुत अमेजिंग टेस्ट है, और आपको खाने के बाद बहुत अच्छा कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, और बहुत ईजी है इसे अपनी डाइट में यूज़ करना। आप इसका किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और आज मैं आपको इसकी एक रेसिपी भी बताऊंगी। तो चलते हैं किचन में और मैं आपको इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। मैंने फ्राई पैन में पानी चढ़ा दिया है, और ये बर्ले के जो पर्ल्स हैं उनको हम एक कप इस पानी में डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे। और जब ये बॉईल हो रहा होगा तो एक दो बार इसे चला कर देखेंगे, और ये जब थोड़ा सा डन हो जाएगा और इसमें नटी फ्लेवर रहता है और थोड़ा सा क्रंच भी रहता है, तो बस उतना ही हो जाएगा, तब हम इसे हटा लेंगे और टिश्यू पेपर पे बिछा लेंगे ताकि इसमें से सारा पानी सूख जाए, क्योंकि हमारे सैलेड में फिर वाटर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये ड्राई हो चुका है, तो मैंने इसको बाउल में डाल दिया। अब इसमें मैं कुछ मटर के दाने, कॉर्न और कैरेट डाल रही हूँ, और ये बहुत फाइबर रिच होते हैं, तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये कितनी इंटरेस्टिंग रेसिपी बनने वाली है। अब इसमें मैं जुकीनी डालूंगी, और जो खीरे की फैमिली से होती है, और ये बहुत टेस्टी होती है। आपको मैंने इसका एक और सैलड भी बताया था, और इसको मैंने पील के साथ लिया है, और ये बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो इस तरीके से हम इस बर्ले सैलड को बनाएंगे। इसमें मैं पार्सले डाल रही हूँ, ये भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें मैं टोफू डाल रही हूँ, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, ये देखिए। आप इसमें पार्मेजान चीज़ या फेटा चीज़ भी डाल सकते हैं, वो आपके इनोवेशन और इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, और आपके टेस्ट पे कि आपको क्या अच्छा लगता है। और वेट लॉस के लिए वो दोनों चीज़ भी बहुत अच्छे हैं।
तो इस तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया। इसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ हमेशा की तरह, जो आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन को दूर करेगा। और अब हम इसमें थोड़े से हर्ब्स डाल देंगे, इटालियन हर्ब्स जो मार्केट में मिलते हैं, और इसका टेस्ट और भी इन्हांस हो जाएगा इससे। साथ में ही इसमें मैं पेपर डाल रही हूँ और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूँगी। इस तरीके से जब हम इसे बॉयल कर लेते हैं और फटाफट से ये सैलेड बन जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। ये देखिए लग रहा है ना, बिल्कुल खाने का मन कर रहा है। अब मैं दूसरा सैलेड बताती हूँ। इसमें भी हमने बर्ले पे कोरिएंडर डाला है, थोड़ा सा पार्सले लीव्स डाली हैं और साथ में ही थोड़ी सी मिंट लीव्स डाल रहे हैं। ये भी हर्ब्स के साथ बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है। और तीनों ही हर्ब्स एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुँचाते हैं। साथ में ही इसमें हम एप्पल डाल दे रहे हैं, और एप्पल भी बहुत फाइबर रिच होता है और बहुत अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए। ये घर का बना हुआ ऑरेंज जूस है जिसे मैं इसमें मिला दे रही हूँ। ये एक ऑरेंज का जूस है। इस सैलेड को मैं डिनर में बना रही हूँ। आप इसे तीनों वक्त कभी भी खा सकते हैं और इससे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी बूस्ट होगा, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैं थोड़े से फ्लैक्स सीड डाल रही हूँ, साथ में ही थोड़े सेसमी सीड डाल रही हूँ। आप नट्स भी डाल सकते हैं, रेजन्स भी डाल सकते हैं, आप कैसे भी इसे बना सकते हैं। लेमन जूस डालूँगी थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि सब चीज़ें एक जैसी मिल जाएं। और इसमें थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिलाइएगा। अब इसमें थोड़ा सा हनी डालूँगी। ऑरेंज के साथ हनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और आप इसे जब अच्छे से मिला देंगे तो आपको इस सैलेड का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये बहुत ही विटामिन रिच और न्यूट्रिएंट रिच है। इसमें हम एक लेटस लीव तोड़कर डाल दे रहे हैं, और इसको अच्छे से मिलाइएगा। लेटस लीव भी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर निकालती है, देखिए कैसा लग रहा है। अब हम थर्ड रेसिपी पे आते हैं। इसमें भी मैंने बर्ले दलिया लिया है और इसमें ट्राई कलर कैप्सिकम डाल रही हूँ, तीनों कलर की। और जितने अच्छे ये आजकल इस सीज़न में मिल रही हैं विंटर में, वो बहुत अच्छे हैं यूज़ करने के लिए। साथ में ही इसमें मैं दिल लीव्स डाल रही हूँ। दिल लीव को हिंदी में सोया लीव्स भी कहते हैं। ये देखिए जो सोया मेथी हम बनाते हैं, ये वो वाली लीव्स हैं। और ये दिल लीव्स हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसा कि नाम में ही इसके है। और इसको हम थोड़ा सा इसमें चॉप करके डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट करती हैं। साथ में ही इसमें मैंने पार्सले डाल दिया है, और इसको अब हम अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लीव्स भी डाली हैं, और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दिया है, और ये भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। और इसे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। लेमन जूस डाल दिया है, अब थोड़ा सा कोकोनट विनेगर डालूंगी। आप चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं, मेरे पास यही था तो मैं ये डाल रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, मैंने इस पर पूरी एक वीडियो डाल रखी है। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैं थोड़े से ऑलिव्स डाल रही हूँ, दोनों ही कलर के। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, और ये पिकल्ड ऑलिव्स हैं, और ये आपके हार्ट हेल्थ को भी बूस्ट करते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इस सैलेड को अच्छे से आप मिक्स करेंगे। ये थर्ड रेसिपी है, और तीनों ही रेसिपी बहुत अच्छी अमेजिंग रेसिपीज़ हैं और बहुत टेस्टी हैं। इसमें मैं ये हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ हमेशा की तरह, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी हैं, और ये देखिए कितना कलरफुल, कितना अच्छा लग रहा है। साथ में ही इसमें थोड़े से अनियन डाल दे रही हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हमारी इंडियन टेस्ट बड्स को अनियन बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलरफुल टेस्टी सैलेड बनकर तैयार है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये तीनों सैलेड बहुत अच्छे से बना लेंगे। इसमें पेपर डाल दिया है, ये देखिए है ना कलरफुल। अब ये देखिए तीनों सैलेड बनकर तैयार हैं, और ये इतने टेस्टी बने हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप वेट लॉस जर्नी में इतना टेस्टी खाना भी मिल सकता है। तो आप इन टेस्टी सैलेड्स का लुत्फ उठाइए। इसकी रेसिपीज कित मैंने तीन सैलेड बताए आपको, और तीनों ही बहुत टेस्टी बने हैं। और ये मैंने इंडियन वर्जन बनाया है, क्योंकि हमारी टेस्ट बड्स को थोड़ा सा अच्छा चटपटा खाना
पसंद होता है और सब लोगों को डाइट में ऐसा खाना चाहिए होता है जो ब्लैंड फूड नहीं हो। तो आप इन सैलेड्स का अगर लंच में डिनर में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वेट लॉस मिलेगा, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाएगा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा। और जिन लोगों को ग्लूटिन फ्री डाइट करनी है वो इसको ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बरले में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे विटामिंस एंड मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर है, तो ये हमें एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स देता है। तो आप इसका यूज करें। और बरले को हिंदी में जौ भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बरले फ्लावर का भी यूज कर सकते हैं। और आज मैंने जो सीड्स पे रेसिपीज बताई हैं बरले सीड की, और उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और जब आप इसे यूज करेंगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इसका किस तरीके से यूज किया। और अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो आप बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के बहुत सारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।